हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय कुकिंग टाइम में। आज हम बनाएंगे मटन बिल्कुल ही आसान तरीके से और एकदम कम तेल मसाले से। इसे ना भूनने का टेंशन है ना चलाने का टेंशन है, बस इसे एक बार चढ़ाएं और बनकर रेडी हो जाएगी ये। इसके लिए सबसे पहले मटन को हम मैरिनेट करने के लिए हम सारे मसालों को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला के इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर एक मोटी पेंदी का बर्तन लेंगे, आपके पास जो हो आप उसे ले लें, उसमें कम तेल डालें, आप जितना डालते हैं उससे कम डालें, देखिएगा आपका मटन एकदम ही टेस्टी बनेगा। फिर सारे खड़े मसालों को डालेंगे जिसमें मैंने इलायची, दालचीनी, मिर्च और तेज़पत्ता लिया है। फिर प्याज डालेंगे और इसे चला लेंगे। फिर लहसुन को मैंने इमाम जस्ते में हल्का कूट लिया है और फिर इसे इसमें डाल देंगे। फिर हल्का नमक डालेंगे, फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे और इसके ऊपर फिर नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें और ध्यान दें कि इसमें पहले भी आपने नमक डाल चुका है। फिर इसे ऐसे ही ढक्कन बंद करके पकने दें, इसे चलाएं नहीं। फिर बाद में 15 मिनट से 20 मिनट पकने दें कम आंच पे। उसके बाद फिर इसे खोलें और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और इसे फिर से ढक के 10-15 मिनट के लिए इसे पकने दें। ध्यान दें कि ये जो आपको ग्रेवी दिखाई दे रहा है ये पानी मैंने नहीं डाला है इसमें, इसमें प्याज का जो पानी छोड़ा हुआ है वही रस में मैंने मटन को पकाया है। आप भी इस तरह से पकाएंगे तो मटन आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप चाहे तो इसमें पानी बाद में डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो, नहीं तो आप इसी में प्याज के रस में ही आप इसे पका सकते हैं। एक बात और आप ध्यान दें कि जब शुरू में मैंने इसका ढक्कन जब बंद किया था मैंने प्याज को चलाया नहीं था, आप भी इसे चलाएं नहीं, इसे इसी तरह से मटन को ऊपर से डालें और ढक्कन बंद कर दें, इसे चलाएं नहीं और गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।